फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हरे कृष्णा फूड व्लॉग्स। और हमने नवरात्र में, जैसे आपको पता है, प्याज और लहसुन का यूज़ नहीं होता है, तो हम भी नहीं करते हैं। तो हमने विदाउट अनियन एंड गार्लिक आज हमने मखनी दाल बनाई है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। नवरात्रों की दाल, माँ राजमा की दाल नवरात्रों में बनाने जा रहे हैं विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक। हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ये हमने एक डेढ़ चम्मच बड़ा है ये बेसन का अलग रख लिया। ये है टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक की पेस्ट, हींग, जीरा, कसूरी मेथी, थोड़ा सा दही। दाल को हमने पहले भिगो दिया है। अब हम बेसन को थोड़ा सा जो है ना हल्का रोस्ट कर लेंगे। इसमें ऑयल कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ खाली हमने इसे भूनना है हल्का सा। ब्लैक नहीं करना, बस हल्का हल्का सा। क्या है, बिल्कुल रेड नहीं करना, हल्का हल्का सा देखिए। ये देखिए, अब जो हमने हरी मिर्ची बारीक काटी हुई थी वो इसके अंदर डाल दें, वो भी साथ रोस्ट कर। अलग कटोरी में डाल लिया। कुकर में ऑयल डाला, इसके अंदर हम ये जीरा, हींग, इसको हम रोस्ट करेंगे। दो तेज पत्ता, दो मोटी इलायची है और कसूरी मिर्च। ये भून गया है। अब टमाटर, अदरक एंड हरी मिर्च जो हमने इसका पीस कर रखी है, जब तक ये तैयार हो रहा है हम दही के अंदर मसाले तैयार कर लेते हैं। लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी एंड नमक। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक मिर्ची डाल सकते हैं। अब हम इसका अच्छे से इसका बैटर तैयार करेंगे। जो हमने बेसन और हरी मिर्ची भून के रखी थी, रोस्ट किया था, वो हम इसमें डाल देंगे। तो अच्छे से इसका मिक्स करेंगे। कच्चा बेसन बिल्कुल मत डालना, पहले इसको रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल छोटा चम्मच नमक का डालेंगे ताकि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए। इसको हिलाते रहना, बेसन डाला हुआ है नहीं तो वो नीचे लग जाता है, सिपक जाता है। ये मसाला भून के इसने घी छोड़ दिया। अब हमने जो दही के अंदर मसाले तैयार किए थे वो हम इसके अंदर डाल दें। इसको भी अच्छे से भूनना है।
बिल्कुल थोड़ा सा पानी, मसाला गलने तक इसको अच्छे से भूनना है। चाहे तो इसको एक विसल भी हम दिलवा सकते हैं, थोड़ा सा पानी डालकर पहले हम एक विसल दिलवा लेते हैं ताकि मसाला अच्छे से भून जाएगा, तैयार हो जाएगा। विसल आ गया, विसल के बाद हमारी ग्रेवी, दाल की ग्रेवी तैयार हो गई है। अब हम इसके अंदर फ्लेम अब ऑन करेंगे, जो हमने दाल भिगो कर रखी हुई थी राजमा की, हम वो इसके अंदर ऐड। दाल को हमने भून लिया अच्छे से, 2-3 मिनट अच्छे से भूनना है। उसके बाद हम इसके अंदर पानी डालकर 2 विसल हम तेज पर, फिर हम 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर, सिम पर हम इसको पकाएंगे। हमारी दाल को 30 मिनट हो गए, दाल हमारी बन गई है। अब हम पैन रखेंगे, इसके अंदर बटर और 1 चम्मच देसी घी, 2 सूखी लाल मिर्च, थोड़े से ब्रेक करते रहें, और हल्का सा जीरा। तैयार हो गया है, अब हम इसको कुकर के अंदर ये वाला तड़का लगा देंगे बिल्कुल आराम से। थोड़ा सा मैगी मसाला, हरा धनिया, विदाउट ऑनियन गार्लिक दाल हमारी तैयार है। प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करना, इनके अभी दिखा एक मिनट पे। दाल मखनी तैयार है, प्लीज़ आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।